ओके, दिस टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का. ओके, मैंने इसकी हेडिंग यहाँ पे नहीं लिखी है, बट दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. ओके, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का डेरिवेशन हम करेंगे. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड आर सिचुएटेड इन क्वांटम स्टेट्स नियर इट्स लोवेस्ट लेवल एंड द रेस्ट ऑफ द बैंड रिमेन्स एम्प्टी. वी नो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके ऊपर के बैंड सारे खाली होते हैं. हैंस दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अस्यूम टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी. सो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या कैसे अज्यूम करेंगे? सपोज दे आर फ्री, और अगर वो फ्री है सो दे हैव टोटल एनर्जी एज देयर काइनेटिक एनर्जी. सो ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाई 2 m. पी मोमेंटम होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक रिलेशन होता है विच इज गिवन बाई इक्वेशन नंबर 2. ओके, एंड वी नो के इज इक्वल टू 2 pi बाई लैम्डा. सो फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी? के इज इक्वल टू व्हाट इज के एक्चुअली? हम जानते हैं पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एच क्रॉस के होता है. वैसे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हम एक्चुअली ये डेरिवेशन बीएससी का, इसलिए इतना इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं. एच यहाँ पे एच होता है एच अपॉन 2 pi, और यहाँ से के और यहाँ से पी. सो यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालेंगे सो दैट विल बी 2 pi ओवर एच एंड पी, है ना. सो ये के की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और ये जो पी है ये यहाँ से आ चुका है, करेक्ट. तो हमारे पास अगर हमें फ्रॉम रिलेशन 1 इट इज फाइंडिंग है. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. ओके, डायरेक्टली लिखेंगे यार, लीव इट. ठीक है, एनर्जी की एक्सप्रेशन ये वाला डायरेक्टली लिखेंगे. वी नो ई इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2 m. कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी होती है, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे. वी आर नॉट किड्स एनी मोर, वी आर स्टडिंग MSc. ओके, सो वी नो हाउ दिस एनर्जी कम्स, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. नाउ एच क्रॉस को यहाँ से यहाँ पे क्या लिखेंगे? एच अपॉन 2 pi, तो ये रिलेशन मिल जाएगा, है ना. यहाँ से एच अपॉन 2 pi लिखा है एच क्रॉस को, और यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है के स्क्वायर का. सो एवरीथिंग विल गो ऑन द राइट हैंड साइड एंड वी विल गेट द इक्वेशन नंबर 4. नाउ इफ द कॉम्पोनेंट ऑफ के अलॉन्ग एक्स वाई जी एक्सिस आर के एक्स के वाई के जी रेस्पेक्टिवली, देन दिस के स्क्वायर कैन बी रिटन एज के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर एंड द राइट हैंड साइड विल बी सेम. द अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्फेयर. ये इक्वेशन स्फेयर की है के स्पेस में, जिसकी रेडियस ये है. ओके, इसका 1/2 कर दो, और ये के स्पेस में है. ये भी मैंने आपको प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में बता रखा है. इन के स्पेस द सरफेस करस्पॉन्डिंग टू कॉन्स्टेंट एनर्जी आर कॉल्ड फर्मी सरफेस. ये हमने यूनिट 2 में पढ़ा था. हेंस फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन द फर्मी सरफेस इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस दिस. तो हमें ये पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए फर्मी सरफेस जो होता है वो एक स्फेयर होता है, उसकी रेडियस ये होती है. इफ वी नाउ कंसिडर अ रेक्टेंगुलर पेरलो पाइप हूज साइड्स आर एल एक्स एल वाई एल जी एंड वॉल्यूम एल एक्स एल वाई एल जी, देन द वेव लेंथ विच अ फ्री विद विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन कैन हैव सॉरी विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन कैन हैव. हमारे पास हमें पता है बाउंड्री कंडीशन से. प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में हमने, मुझे याद नहीं है लेक्चर नंबर कौन से लेक्चर में देखा था, बट हमने इफ यू रिमेम्बर हमने एक वो देखा था रिलेशन. ये रिलेशन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. इफ यू रिमेम्बर एक लेक्चर में हमने ये देखा था के इज इक्वल टू 2 n pi अपॉन एल. बाउंड्री कंडीशन में रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर अपन ने पढ़ा था ये वाला बाउंड्री कंडीशन में. तो देखो यहाँ से के की वैल्यू रखते हैं 2 pi बाई लैम्डा. ओके, दैट विल बी 2 n pi अपॉन एल. 2 pi से 2 pi कैंसिल आउट हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल बाई एन. सो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में एल की जगह एल एक्स लिखा है, एन की जगह एन वन, एन वन इज इंटीजर. सिमिलरली वाई डायरेक्शन, सिमिलरली जेड डायरेक्शन. इसी फॉर्मूले को एक्स में लिखा है, वाई में लिखा है और जेड में लिखा है. एन वन एन टू एन थ्री आर थ्री इंटीजर्स. सो के एक्स की वैल्यू जो मैंने बताई थी वो ये आ गई आपके पास में डायरेक्टली. अरे यार ये भी डायरेक्टली लिख सकते थे अपन, ठीक है. एनीवेज, इफ बाय इंक्रीजिंग एन वन एन टू एन थ्री बाय यूनिटी द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ के एक्स के वाई एंड के जेड आर रेस्पेक्टिवली डेल के एक्स डेल के वाई एंड डेल के जेड, देन अगर हमारे पास में कह रहे हैं कि एन वन को यूनिटी से इंक्रीज कर दो, एन वन प्लस वन कर दो, एन टू को भी एन टू प्लस वन कर दो, एन थ्री को भी एन थ्री प्लस वन कर दो. सो अगर इनको 1 से इंक्रीज किया जाए और उससे के एक्स के वाई के जेड इंक्रीज हो जाए,
तो जो डेल्टा के एक्स, डेल्टा के वाई और डेल्टा के जेड है वो कितना आएगा? ओके, सो आई होप ये आप खुद कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे हमें माइनस करना है बेसिकली, तो मेरे को ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। सो मैं एक बार करके बता देती हूँ ना, एक का करके बता देती हूँ कि एक्स इज इक्वल्स टू 2π n1 ओवर lx, 2π n1 ओवर lx। तो हमें क्या करना था, हमें इसको 1 से इंक्रीज करना था। तो सपोज kx प्राइम जो है वो आ जाता है 2π/lx एज इट इज रहेगा, और n1 को हमें बढ़ा देना है 1 यूनिट से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी डेल्टा kx। सो डेल्टा kx हमारा हो जाएगा kx प्राइम माइनस kx, और वो हमारा हो जाएगा, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n1 वाला पार्ट n1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल स्टे, तो 2π/lx आ जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा के एक्स हमारे पास आ गया, उसी तरह से डेल्टा के वाई आ जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे डेल्टा के वाई आ जाएगा और डेल्टा के जेड आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे 8π³/v। इनके स्पेस दिस वॉल्यूम करस्पोंड्स टू वन क्वांटम स्टेट, ये एक क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि n1 n2 n3 इंटीजर को हमने यूनिटी से बढ़ाया था, सिर्फ यूनिटी से, इसलिए एक क्वांटम स्टेट आया ये। नाउ द नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एनर्जी अप टू ई विल बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बाय द वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू सिंगल क्वांटम स्टेट्स। अब आप समझिए, हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू एनर्जी ई निकालना है, करेक्ट, नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू एनर्जी ई निकालना है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि स्पेस में हमारे पास में पूरा स्फेयर था, यानी कि एनर्जी ई रेडियस, जो भी रेडियस थी इसकी, सपोज आर रेडियस थी, ये पूरा अवेलेबल स्पेस है, ये हमारे पास में अवेलेबल वॉल्यूम है, करेक्ट, और एक क्वांटम स्टेट जो आती है वो हमारे पास इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये सिंगल क्वांटम स्टेट है, एक क्वांटम, सो वन क्वांटम स्टेट का वॉल्यूम इतना है और अवेलेबल वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना अवेलेबल है एंड सिंगल क्वांटम स्टेट का वॉल्यूम कितना है, इससे हमें नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट मिलेगा। सो टोटल अवेलेबल वॉल्यूम हमारे पास कितना आया था अभी, 8π³/v आया था क्या, या ये आया था, एंड डिवाइडेड बाय सिंगल, ये सॉरी ये तो सिंगल का था, ये हमारे पास क्या था, सिंगल क्वांटम स्टेट का वॉल्यूम था, और अवेलेबल वॉल्यूम हमारे पास कितना था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे देख लीजिए अवेलेबल वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, स्फेयर का वॉल्यूम होगा, सो रेडियस अगर ये है तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3π r³। अभी r ये है, इसका क्यूब करना है, तो यहाँ पावर कितना आ जाएगा, 3/2, तो 4/3π r³ ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है सिंगल क्वांटम स्टेट के वॉल्यूम से, सिंगल क्वांटम स्टेट का वॉल्यूम था 8π³/v, इससे डिवाइड करेंगे तो जब ये ऊपर जाएगा सो हमारे पास हो जाएगा v/8π³। सो दीज आर द नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू एनर्जी ई। नाउ इन ईच क्वांटम स्टेट देयर कैन बी टू इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई द टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, अगर एक इलेक्ट्रॉन के वॉल्यूम को या उसके बॉक्स को एक क्वांटम स्टेट्स माने तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स डबल हो जाएंगी, क्योंकि एक क्वांटम स्टेट्स में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ ये तो हमारे पास था 0 से लेके ई एनर्जी तक इतने क्वांटम स्टेट्स आ गए। अगर हमें एनर्जी रेंज ई से ई प्लस डी ई में निकालना होता तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 का डिफरेंशिएशन कर देंगे, सो दोनों साइड में हमारे पास एनर्जी, इधर एनर्जी का करेंगे इधर एन का करेंगे, सो एन का हो जाएगा डी एन, करेक्ट, और इधर हमारे पास में सब टर्म को कांस्टेंट रखो, सिर्फ एनर्जी के टर्म का करो, सो ई की पावर कितना हमारे पास, 3/2 है, सो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सो एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन विच इज 1/2, सो वो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, साथ में कितना आ गया डी ई, सो दिस इज द नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स इन एनर्जी रेंज डी ई। अगर नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स को पर यूनिट रेंज निकालना पड़े तो डी ई से डिवाइड करना पड़ेगा, सो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा। सपोज इस टर्म को हम एस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बिकॉज दीज आर द नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस ई। That's it. ये हमारे पास था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ओके?